वहीं रोहिणी आचार्य ने हिंसा को लेकर कहा कि बीजेपी लोग डर गए हैं, हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई है। भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको, गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, इनके ऊपर। आप भी गलत गए थे उस समय, आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है हर एक बूथ पे, आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ वहाँ पे। हम बूथ लूटने गए थे कि गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। लोग तो छपरा में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इस बीच रोहिणी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं उनसे मिलने के लिए रोहिणी आचार्य अस्पताल पहुंची और रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव भी नजर आ रहे हैं। तो रोहिणी की तरफ से कहा गया है कि हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है, भाजपा के लोग डरे हुए हैं और इसीलिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और इस घटना में घायलों की तरफ से क्या कहा गया है ये भी सुनिए। गोली लगा है। अच्छा, और ये कि डेट कितना लोग का हुआ? डेट 1 अमरी का हुआ है, ऑन द स्पॉट ही। और 1 अमरी का ब्रेन में चोट लगा है, ब्रेन में लगा है। तो वही छपरा हिंसा को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हार की बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन पर भरोसा है। मिली सुबह सुबह सूचना मिली है, सूचना मिली है सुबह सुबह कि 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया, कि गिरफ्तार करेगी।